मेरा अभिषेक है। वैशाली के सराय थाने से शराब बेचने का मामला आया था। इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष विदुर कुमार, साथ ही साथ मालखाना प्रभारी और संतरी को गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में विभागीय जांच का आदेश दिया गया था, जिसके बाद विभागीय जांच के बाद स्पष्ट हो गया कि इन सभी ने शराब बेचने के लिए ही मालखाने में शराब बचाई थी और शराब बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में छापेमारी होती है तो खुलासा होता है, उसके बाद विभागीय जांच होती है। अब मुजफ्फरपुर आईजी ने इसकी पुष्टि की है और साफ साफ कहा है कि जांच के बाद उन सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर आईजी की ओर से ये बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। थाना अध्यक्ष विदुर कुमार, मालखाना प्रभारी मुनेश्वर कुमार, संतरी सुरेश कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर साफ साफ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर आईजी, क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुनिए। 17/9/2023 को शराब का एक खेप जिसका विनष्टीकरण किया जाना था, उसमें पार्शियल रूप से, आंशिक रूप से उसका विनष्टीकरण किया गया और लगभग 945 लीटर शराब जो शेष था उसको रात्रि के अंधेरे में तत्कालीन थाना अध्यक्ष, उनके अधीन काम करने वाले एएसआई मुनेश्वर कुमार और सिपाही 410 सुरेश कुमार राम एक चार पहिया वाहन को थाना में लाकर मालखाना से उस शराब को अपने निहित स्वार्थ सिद्धि के लिए बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच मद्य निषेध विभाग का जो इंटेलिजेंस विंग है उसने खबर किया कि इस प्रकार का एक कृत्य होने की जानकारी मिली है। इस आधार पर वैशाली जिला के सदर एसडीपीओ के द्वारा इस बात का सत्यापन के क्रम में थाना पहुंचा गया तो ये इस बात में सच्चाई मिली और एक फोर व्हीलर पर 828 लीटर शराब बेचने के नियत से रखा गया पाया गया। इस आरोप में उस समय के थाना अध्यक्ष विदुर कुमार और सनी मुनेश्वर कुमार और सिपाही 410 सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इस संबंध में सराय थाना कांड संख्या 237-23 संगत धाराओं में दर्ज कर उनके विरुद्ध अनुसंधान किया जा रहा है। इस आरोप में नियमानुसार विभागीय कार्रवाई संपन्न की गई। संपन्न विभागीय कार्रवाई के क्रम में लगाए गए दोषों की, जो लगाए गए आरोप हैं विभागीय कार्रवाई में, उनकी पुष्टि हुई और तत्पश्चात तत्कालीन थाना अध्यक्ष विदुर कुमार, सनी मुनेश्वर कुमार और सिपाही 410 सुरेश कुमार राम को सेवा से बर्खास्त किया गया है। जो दो पदाधिकारी हैं उनकी बर्खास्त की, विदुर कुमार और सनी मुनेश्वर कुमार की बर्खास्त की आईजी तिरहुत के स्तर से किया गया है और सिपाही 410 सुरेश कुमार की बर्खास्त की एसपी वैशाली के द्वारा की गई है। इससे एक स्पष्ट मैसेज, स्पष्ट है वैसे लोगों के लिए कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का सरकार का जो पॉलिसी है उसको क्रियान्वयन में लाया जाएगा और जो लोग ईमानदारी से और अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे ढंग से कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। तो आपने सुना कि तिरहुत रेंज के आईजी पंकज सिन्हा ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है और कार्रवाई की गई है। तिरहुत रेंज से दो अधिकारियों को तत्काल जो जांच के बाद बर्खास्त कर दिया है, जांच रिपोर्ट आने के बाद, विभागीय जांच रिपोर्ट आई है उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं वैशाली एसपी की तरफ से एक पर गाज गिरी है, उसे भी बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं इन्होंने साफ साफ कहा कि जीरो टॉलरेंस है और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अच्छे काम करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए।